नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, आपने पूरा जो नीट का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। हम जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम है नीट, उसकी डिमांड क्या है। उसकी डिमांड है आजकल बहुत ज्यादा नंबर, बहुत ही ज्यादा नंबर। क्यों? क्योंकि भैया पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टी के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट के सालों में थोड़ा इजी हुआ है, यानी बच्चे उसको आसानी से कर पाते हैं, सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, इसलिए कट ऑफ जो है वो काफी ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रही है। अगर आपको गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज इंडिया में प्राप्त करना है तो आप अपने अपने स्टेट की कट ऑफ से वाकिफ होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमें क्या करना चाहिए? डिफिकल्टी कम हो गई है या फिर बोलेंगे कि भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर टाइप का ऐसा नहीं आता है, एवरेज टाइप का आता है। फिजिक्स उसमें आपको कंपेरेटिवली टफ लग सकती है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कंपेयर में, लेकिन अगर अपन प्रीवियस दो तीन सालों का पेपर उससे पहले के सालों के पेपर से कंपेयर करें तो फिजिक्स भी इजी हो गई है। ये नहीं, ज्यादातर सवाल थ्योरी बेस्ड टाइप के आते हैं, न्यूमेरिकल भी उतने कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं, कैलकुलेशन इजी होती है और कोई भी सवाल आउट ऑफ बॉक्स टाइप का नहीं आता है। यानी कुछ बहुत ही खतरनाक लगाना हो ऐसा कुछ, आईटीजी एडवांस टाइप का ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं जो कहीं ना कहीं आपने देखे होते हैं, बस वैल्यू चेंज की होती है और आपको उसको बहुत ही काम, यानी शांत दिमाग से उसको सही से वहां पे सॉल्व करके टिक करना होता है। मेजोरिटी ऑफ सवाल आपको आते हैं, मेजोरिटी ऑफ सवाल आपको आते हैं, मतलब कुछ सवाल तो पक्के ही ऐसे हों जिसको एग्जाम में नहीं होंगे, वो रूम जाके देखता है तो उसे पक्का ही हो जाता है। वैसे ही सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं देखा हुआ। एक अच्छा बच्चा जो बुकलेट सॉल्व करता है तो सारे लेक्चर्स को देखता है, समझता है, रिवाइज करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, वो करके जाता है चीजों को। क्योंकि न्यूटन जैसे कोई भी चैप्टर की बात करें, जैसे एनएलएम की आज अपन बात करने वाले, तो एनएलएम आपको बहुत अच्छा आया होगा जब आपने पढ़ा होगा। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है तब आपको बहुत अच्छा आया होगा, लेकिन हाँ भाई साहब, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आपके पास एग्जाम बहुत पास में आएगा तब आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर मान लो पहले नहीं भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला, एंड इज वेल ऑल इज वेल, यानी अब लास्ट में हमें चीजें सारी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब मास्टर क्या बोल रहा है, आसान भाषा में ये बोल रहा है कि भैया आंख खोलो तभी सवेरा है, जब जागो तब सवेरा, तभी सवेरा है। अगर मान लो कि पहले आपने कुछ गलतियां कर ली, अरे कोई बात नहीं ना, अभी अच्छे में अच्छे से लास्ट में चीजें रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं और आप सब सिलेक्ट होने के काबिल हैं। इसीलिए आपका सिलेक्शन दक्षिणा के प्रोग्राम में हुआ है। अगर आप सिलेक्शन के काबिल नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम लोग सिलेक्ट भी नहीं करते, आप कैपेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अब आप कौन सा एम्स में जाएंगे, कौन से बहुत बेहतरीन वाले मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लास्ट में आप चीजों को किस तरह से मैनेज करते हैं, है ना। पहले टेस्ट में कितने खराब नंबर आते थे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जब लास्ट में फाइनल टेस्ट होंगे उसमें अच्छे आने चाहिए भाई साहब। उसमें अच्छे आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और उसमें कैसे आएंगे, जो चीजें हमने पूरे 2 साल के कार्यक्रम में पढ़ी है। अगर आप 2 साल के कार्यक्रम वाले हैं तो 2 साल में, या 1 साल के कोर्स वाले हैं, यानी 1 ईयर प्रोग्राम वाले हैं, तो आपने जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। अब मैं टिप्स पे होना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भैया हमारे एग्जाम की डिमांड ही ऐसी है, हमारे एग्जाम की डिमांड है कि सवाल जो भी आएगा उसको टक से सॉल्व करना है और डाल देना है। उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस आपकी रहेगी, आपने सिमिलर टाइप के सवाल पहले सॉल्व किए होंगे, टक से वहां पे वैल्यू चेंज होगी, उसको सॉल्व करना है और सही से दिमाग को बहुत शांत तरीके से सही से फिल कर देना। एक भी सवाल में मिस्टेक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कट ऑफ ज्यादा है। अब जरिए एडवांस की तरह नहीं कि भैया 4-5 सवाल सोल्व कर लिए मस्त रह गए, अपने को आईटी मिलेगा इस बात की गारंटी है, ऐसा हमारे एग्जाम में नहीं है। हमारे यहाँ तो भैया उल्टी गिनती चलते हैं कि गलत कितने हुए हैं, अरे कहीं 1, 2, 3, 4 गलत नहीं हो जाए, है ना। लोग 720 में से 720 नंबर लाने लगे हैं, यानी मतलब हम लोग नेगेटिव मार्किंग और गलत जो चीज हमें अच्छे से आती है उसको एग्जाम में गलत अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, एक आध सवाल मिस्टेक हो सकती है, बट ज्यादा ऐसे मिस्टेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ओवरऑल नंबर कम हो जाएंगे और ओवरऑल नंबर कम होने पे हमें मेडिकल कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। हम जानते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हो रही है। क्या मास्टर आपको रिविजन की स्टार्टिंग में डरा रहा है? नहीं, मास्टर आपको ये बोल रहा है भैया आपने पहले कुछ भी किया है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर की चीज नहीं आती है, बहुत आसान सा पेपर आता है। और आप अगर एक अच्छा बच्चा जो बहुत सारी प्रैक्टिस
और प्रीवियस ईयर के सवाल बुकलेट को सॉल्व करके जाता है, उसके लिए बहुत आसान है, उसके लिए बहुत आसान है। जिन बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 इस साल प्राप्त की है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिए गए हैं, ऐसे लोग अपने पास हैं दक्षिणा में जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आई है, जिन्हें पुणे से बालक हैं और आप भी मतलब अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक इन जनरल कैटेगरी ला सकते, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, अंडर 500 बहुत सारे लोग हैं, अंडर 1000 भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपका जो ड्रीम कॉलेज, यानी कि अगर आप एम्स दिल्ली के लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं, या एफएमसी पुणे, या फिर कोई और एम्स, या फिर जो भी बेहतरीन कॉलेज आपके स्टेट का है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। दूसरी चीज उठ के आती है कि भैया क्या मतलब जो है सिलेक्शन होना क्या बहुत टफ है, मैंने कहा आपके लिए सिलेक्ट होना बिल्कुल टफ नहीं है, आपके लिए सिलेक्ट होना बिल्कुल टफ नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि अगर आप मन लगा के अब से जो एग्जाम के बीच में टाइम बचा है उतने में आप पूरी शिद्दत से ट्राई करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो मिनिमम नंबर है उसको आप आराम से मतलब जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये पक्का विश्वास आप समझिए। कैटेगरी वाले लोग या जो पीडी है या जो भी है आप, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी थी, आप में वो है, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है, और बाय डिफॉल्ट आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे ये साफ जाहिर होता है कि लगभग हर बालक को मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर आप बाउंड्री कंडीशन के आसपास है तो फिर भी परेशान नहीं हो, क्योंकि आपको अंत के इन कुछ महीनों में बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा करने का मतलब क्या है, ये तो बहुत सब लोग बोलते हैं भाई बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा क्या करना है, बहुत अच्छा करने का मतलब है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, वो हमारे टिप्स पे होना चाहिए। रात को 2:30 बजे भी कोई उस कॉन्सेप्ट से हमें कुछ पूछ ले तो हमें बहुत आसानी से, यानी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस सवाल को समझा देना चाहिए, या उसके आंसर तक हम पहुंच पाए, हमारी पकड़ उतनी अच्छी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, है ना। फिजिक्स में सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं याद होने की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे एग्जाम की डिमांड ही ऐसी है कि जिसमें चीजें याद होगी टक से अपन कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स वाले सवाल आते नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि हमने जरूरत से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सवाल सॉल्व किए हैं, है ना, हमने बहुत अच्छी किस्म के सवाल सॉल्व किए हैं, उतने डिफिकल्ट सवाल आते भी नहीं है, उससे भी इजी आते हैं। जब आप डिफिकल्ट सवाल को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये विश्वास अंदर होना चाहिए कि भैया हम सारे सवाल टेक्निकली, यानी जो कॉन्सेप्ट वाइज है, यानी जो सिलेबस के हिसाब से जो चीजें हमने कवर की है उससे बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसमें तो आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने एग्जाम में नहीं आएगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, जो आपने सीखा है उससे ही सारा पेपर सॉल्व होगा और बहुत आसानी से सॉल्व होगा, इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, इसका तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। बिल्कुल आप हर सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप पूरा चीजें जो पढ़ाई गई है उसको रिवाइज करके, उसको आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब आप टिप्स पे चीजें कैसे ला सकते हैं, पुराने नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको मार्क कर दीजिए हाईलाइटर से, हैंडबुक अपने पास रखिए, शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए और एक पूरे पर्टिकुलर चैप्टर को मतलब जो है 5-10 पेज में ही खत्म कर दीजिए कि भैया ये काम की चीजें हैं, इन्हीं से आएगा और इन्हीं से आएगा तो मतलब सॉल्व कर दूंगा। और फिर हर वैरायटी का सवाल हमने सॉल्व किया होगा, बुकलेट का और प्रीवियस ईयर के सवाल हम लोग सारे सॉल्व करने वाले हैं, तो एक और कॉन्फिडेंस आपके, जब आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करेंगे आपको लगा भाई कितना लल्लू है, पहले वाले बोलते हैं कि पहले वाले टफ हुआ करते थे नीट वीडीआई पीएमटी, उनके सवाल भी हमसे हो रहे हैं तो आजकल तो इजी आ रहा है, या उनके लेवल का आएगा और उससे भी टफ आएगा तो भी कर लेंगे, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि टफ आए। भैया आप इतना अच्छे से मेहनत करते हैं, इतना बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप तो ये थोड़ी चाहते हैं कि लल्लू पल्लू सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट वेवलेंथ, अबे कोई भी कर लेगा ये तो, भाई बोर्ड की तैयारी करने वाला बच्चा स्कूल का कर लेगा ना यार, तो ये चाहता है कि टफ सवाल आए, थोड़ा टफ आए, रिलेटिवली टफ आए, जिससे कि आपको थोड़ी सी अपर एज वहां पे मिले। लेकिन पेपर कैसा आएगा वो हमारे बस की बात नहीं है, वो हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का पेपर आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, जिससे कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फिर जिस आदमी ने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होती है वो उतना एक्यूरेटली और लिमिटेड टाइम में, यानी कि जो टाइम फ्रेम अवेलेबल होती है उसमें बहुत अच्छा कर लेता है। कई लोगों से ये होता है साफ आता तो बहुत कुछ है, एग्जाम में कर नहीं पाते, इसका साफ साफ मतलब है कि आपने
ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से। अगर आपने 500 सवाल सारी वैरायटी के कर रखे होंगे, है ना, अच्छे से अपने से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा भैया आप एग्जाम में भी कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। बार बार हम टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको उस तरह का एटमोस्फेयर मिल जाए, आपको एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको फील पहले से इतनी आ जाए कि फिर आप जिस दिन फाइनल एग्जाम देने जाए आपको कोई अलग टाइप की फील नहीं आए, आपको लगे कि नॉर्मल एग्जाम है तो हमेशा होता है वैसा ही होता है, और अंदर से ये रहा है कि अबे उससे तो आसान ही होगा तो मैं आसानी से कर सकता हूं या कर सकती हूं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि रिवीजन का मतलब होता है ये कतई नहीं है कि हम चीजें सारी दोबारा देखें, लेकिन हम ये सारी बातें करें कि भैया यहां से सवाल बन सकता है, ये चीजें हैं, ये चीजें, ये मैक्सिमम पॉसिबल चीजें किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, इन्हीं से सवाल आएंगे, आप ये सवाल सॉल्व कर लीजिए। अभी भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इतना सा भी डाउट तो उसको डिस्कस कीजिए अपने मास्टर के साथ, उसको खत्म कर दीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कॉन्फिडेंट रहिए, और इसलिए रहिए कि भैया आप होनहार बच्चे हैं, आप ऑलरेडी क्रीम आउट ऑफ क्रीम है, मजाक के लिए नहीं, ये सत्य है कि आप बहुत अच्छा कंपटीशन फाइट करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। यानी आप जो सिलेक्शन की लिस्ट में जो लोग आने वाले हैं, जो प्रोबेबल लोगों की लिस्ट है, उसमें बहुत ऊपर की लेवल पे ऑलरेडी है यार, आप इतने लेवल्स को आप ऑलरेडी क्रॉस करके आए हुए हैं। आप ये सोच के मत डरिएगा कि अच्छा 15 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, 17 एग्जाम में सीट तो बहुत कम है, हमारा क्या होगा, बैठने से क्या होता है, बैठने से क्या होता है, 15 में से 5 लाख लोगों का तो फॉर्म ही मम्मी भरती है, पापा भरते है, बेटे को पता ही नहीं होता है कि क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जिनको एपीडी बनाना भी नहीं आता है, 7-8 लाख लोगों को सही से एपीडी बनाना नहीं आता है, वो तो सिर्फ ऐसा ही एग्जाम देते हैं, उनको रसिया जाना होता है एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि यहां से होता नहीं है, आसान भाषा में ही बोले तो उनके बस की बात नहीं होती। आप उनमें से कतई नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मास्टर ने आपको आप रियलिटी दिखाई है आपकी, जब मैं आपको बोल रहा हूं आप बहुत अच्छी कंडीशन में, इसका मतलब मैं आपको फेक नहीं बोल रहा हूं, मुझे आप पे ट्रस्ट है, यानी आप लिटरली ऐसे हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आइए खेला शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिवीजन में कुछ सवाल लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। हो सकता है कि मैं इसमें थोड़ा फास्ट रहूं, सब चीजों के डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा ये कॉन्सेप्ट है, इस पे ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप जो अब ये रिवीजन वीडियो होगा जो थोड़ा शॉर्ट होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक अभी आपके पास टाइम है तो किसी पर्टिकुलर चीज को अच्छे से और ज्यादा उस पे सवाल देखना है तो जो ओरिजिनल वीडियो थे उनको जाके आप देख सकते हैं, कि नहीं यार, इसमें कोई दोहराई वाली बात मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात आने वाली नहीं है। बाकी रिवीजन में हम सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई दोहराए नहीं है। आइए खेला शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमें जो देखना है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बहुत, अब आपने पूरा फिजिक्स पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि भैया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बहुत योगदान है। जब वो बोलते हैं ना टीवीएफ में कि भैया एक न्यूटन साहब थे जो फिजिक्स पढ़ते थे, न्यूटन और आइंस्टीन जैसे लोग, 3 लॉ दिए, 50-60% फिजिक्स इन्हीं से हो जाती है। यानी न्यूटन साहब के जो लॉज है तीनों, उस वो आपके टोटल फिजिक्स में कितने इंपोर्टेंट है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया है। तो अपन हेडिंग डालते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यानी मैकेनिक्स का खेला अगर बात करें, मैकेनिक्स क्या है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी है। कितने टाइप की मोशन क्या है, मोशन होती है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना, है ना, मोशन रिलेटिव है, वो किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे भी डिपेंड करता है और ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। यानी ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जेक्ट की और ऑब्जर्वर दोनों की, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना। रिलेटिव मोशन होती है, कोई चीज आपको रुकी हुई दिखाई देती है, किसी को चलती हुई दिखाई वही चीज दिखाई दे सकती है। तो ये जो मोशन है वो 3 टाइप की हो सकती है। वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी का हर बिंदु जो है वो चल रहा होता है, हर एक 2 बिंदुओं के एक बॉडी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, वो ट्रांसलेशनल होती है। और वैसे सवाल आपने वैसी क्वालिटी के सवाल आपने काइनेमेटिक्स में देखे होंगे, काइनेमेटिक्स में आपकी बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन हो रही थी। फिर दूसरे टाइप, वो प्योर ट्रांसलेशनल, फिर दूसरे टाइप की मोशन अपन सर्कुलर में जाके देखते हैं, बॉडी का हर बिंदु जो है घूम रहा होता है, घूम रहा होता है एक एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा होता है, वो रोटेशनल मोशन होती है। रोटेशनल मोशन बॉडी कर रही होती है लेकिन उसकी बॉडी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हर बिंदु क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, वो आपकी हो गई रोटेशनल मोशन। और फिर अगर ऐसा कुछ हो कि बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों कर रही हो तो उसको बोलते हैं अपन
कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन CTR जो कि अपन रोलिंग के नाम से जानते हैं, कहां जाके पढ़ते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स में यानी रिजिड बॉडी डायनामिक्स में रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में जाके उसको पढ़ते हैं मोशन में। अच्छा, काइनेमेटिक्स में हम जो मोशन पढ़ते हैं उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन आया, यानी हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज कि भैया कोई बॉडी यहां से फेंकी दूर जाकर रुक गई, है ना, क्यों रुकी, फ्रिक्शन था, फोर्स लगा, कुछ था ना, वो हम काइनेमेटिक्स में बात नहीं करते, वो कहां बातें शुरू करते हैं अपन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, कौन सा वाला, ट्रांसलेशनल मोशन जो है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन। अब वो ट्रांसलेशनल मोशन को भी अपन बहुत वैरायटी में बांट सकते हैं, 1D मोशन यानी रेक्टिलिनियर मोशन, 2D मोशन है ना, या 3D मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल हो गया, या रिलेटिव जो आपकी रेनमैन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो सब 2D वाले बातें अपन वहां पे, सारी टेक्निकलिटीज आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ी होगी, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें भी सवाल बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आइए NLM की बात, अब NLM कहां से आ गया, अब हमने मोशन तो स्टार्ट कर लिया पढ़ना, सबसे आसान वाला पहला ट्रांसलेशनल हमने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन हमने वहां पे उस मोशन के, जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन आ रही है तो क्यों आ रही है, कोई तो फोर्स जिम्मेदार होगा, कोई तो होगा ना, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, उसके कॉज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं ना, वो बातें यहां से स्टार्ट होती है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हेडिंग अपन डाल सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीन लॉ दिए हैं भाई साहब ने, तीन लॉ दिए हैं, लेकिन 50-60% फिजिक्स जो है वो इन्हीं से हो जाती है, प्यार से अपन इसको NLM बोलते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आइए खेला स्टार्ट करते हैं, इसके इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमारे लिए कहां से होती है, बेसिकली फोर्स की बातें से ही स्टार्ट होती है। मैं बहुत छोटी बातों को बहुत फास्ट बताऊंगा, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, सीधा सवालों पे आएंगे, अच्छे सवालों के बारे में बात करेंगे अपन, फोर्स के बारे में बात करते हैं। हर बालक यहाँ पे रिवीजन करने आया हुआ उसको पता होगा कि फोर्स एक बेसिकली किसी बॉडी को खींचना या धक्का देना ही फोर्स है, पुश एंड पुल इज बेसिकली फोर्स है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें तीन चीजें होती है, वेक्टर क्वांटिटी कैसी, कौन सी क्वांटिटी, क्वांटिटी वेक्टर होती है जिसमें डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, और जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रही हो, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है लेकिन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, उसको टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉर एग्जांपल करंट है। अच्छा भाई साहब, हमारा जो फोर्स है इसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैंने कहा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये जो फोर्स है वो बॉडी के कहां लग रहा है उस पे भी चीजें डिपेंड करती है। मैंने कहा हाँ भाई डिपेंड करती है, जैसे ये कोई बॉडी ले ली मैंने यहाँ पे रख दिया, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया तो ये चलेगी, है ना, और लेकिन यहाँ पे लगाया तो वही फोर्स है, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही है, ये बॉडी घूम जाएगी, यानी इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाया तो टॉर्क नहीं आएगा, कहीं और लगाएगा टॉर्क आएगा, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, धीरे धीरे ये वाली बातें हमें आगे जाके समझ में आई थी, क्योंकि पहले तो हम बॉडी की साइज को 0 लेके चल रहे थे, है ना, सीधा एमजी में बनाते थे, ये बनाते थे, वो बनाते थे, फिर हमें धीरे धीरे आगे जाके पता लगा कि अच्छा फोर्स कहां लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो टॉपलिंग भी करा सकता है, धीरे धीरे अपन टॉर्क जब सीखा और जब रोटेशनल मोशन पे बढ़े तो हमें ये भी समझ में आया कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड समझ में आता है, डायरेक्शन समझ में आता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कैसी क्वांटिटी है, बॉडी की रफ्तार से बता रहा हूं मैं सारी बातें, जस्ट रिवीजन है, लिखना आप चाहें तो भी लिख सकते हैं, ओहो ML T-2। अच्छा भाई साहब, हुआ ऐसा ही यूनिट आपकी न्यूटन है और वो डाइम के बीच में रिश्ता होता है, 1 न्यूटन = 10^5 डाइम। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओहो ये बातें की हमने, फिर हमने फोर्स का क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं कि फोर्स कितने टाइप का होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स वो फोर्स जिसमें बॉडी पे नेट फोर्स क्या लग रहा हो, 0 लग रहा, अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जिसमें नेट फोर्स 0 नहीं हो। मैंने थोड़ी सी बात बताई कि फोर्स को 2 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, मैंने कहा अच्छा किसी और तरीके से भी फोर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, मैंने कहा कई तरह के फोर्स होते हैं, पहला चैप्टर में आपने
एनसीईआरटी का 11th क्लास के पहले चैप्टर में आपने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े होंगे ना यार, बहुत सारे फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे तरह के फोर्स, अब न्यूक्लियर फोर्स हो गए, स्ट्रॉन्ग वीक, है ना, इस तरह के फोर्स होते हैं, कुछ कॉन्टेक्ट फोर्सेस भी आते हैं, कुछ नए टाइप के फोर्स जो हम पहले 10th तक नहीं जानते थे वो हम यहां जानने लगेंगे। यहां अपन बातें करेंगे भाई साहब, यहां इस पर्टिकुलर चैप्टर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अपन तीन फोर्सेज जो अपने हमारे सामने नए आएंगे वो है नॉर्मल रिएक्शन, वो होगी आपके लिए टेंशन, और वो होगा स्प्रिंग फोर्स। ये तीन फोर्स हम यहां पे जानेंगे। आगे जाके फ्रिक्शन अपने आप में एक फोर्स है, कॉन्टेक्ट सर्फेस पे लगता है, उसको अपन एक अलग ही वीडियो में यानी कि अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, क्या फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, खैर अपन उनके बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी बातें स्टार्टिंग अगर अपन करें बॉडी का, अगर अपन इस चैप्टर का तो छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं, इनर्शिया, हमने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा था, क्या होता है इनर्शिया, किसी बॉडी का अपने स्टेट में यानी कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलने की जो टेंडेंसी होती है उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, इनर्शिया। कितने टाइप का होता है, रेस्ट का इनर्शिया या मोशन का इनर्शिया मेनली, बाकी आप डायरेक्शन का भी बोल सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सब बातें की थी। बॉडी यानी कि बॉडी जो है रेस्ट पे तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, ऐसा तब तक करेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। अब अनबैलेंस्ड का फोर्स का मतलब नेट फोर्स आ जाना, है ना, अनबैलेंस यानी यहां से 10 लगाया मैंने, एक बॉडी है इधर से लगाया 10 न्यूटन, इधर से लगाया 10 न्यूटन, दोनों कैंसिल हो गए, नेट फोर्स जीरो हुआ, इधर से 10 उधर से 20 तो नेट फोर्स 10 आ गया ना इधर की तरफ, यार ये अनबैलेंस फोर्स है। यानी उस बॉडी पे जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब ये रेस्ट या जो मोशन है उसका मतलब जो है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। न्यूटन साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी, और न्यूटन साहब के तीसरा में जो फर्स्ट लॉ है अपन छोटी छोटी बहुत तेज रफ्तार से बातें करने वाले हैं, बहुत तेज रफ्तार से फिर सवालों पे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ की बात करें या फिर उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, मैं यहाँ पे उसका स्टेटमेंट लिखने नहीं आया हूं, मैं तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाने आया हूं, अगर ये बॉडी मास एम की ये बॉडी रेस्ट पे है, ये क्या है रेस्ट पे है, पहला केस, या सेकंड केस की मैं बात करूं कि ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी है मास एम की ये बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से इधर की तरफ जा रही है तो ये तब तक ऐसी ही रहेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड का मतलब नेट फोर्स अगर बॉडी पे लग जाएगा तो इनके स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि मोशन में जो रेस्ट में है वो मूव करने लग जाएगी, या फिर इसमें वेलोसिटी में कुछ चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, यानी कि इनके स्टेट में चेंज हो जाएगा, है ना। और जो स्टेट में चेंज का अपोज करती है, कुछ बॉडीज करती है ना, वही तो अपना बार वही वो जो टेंडेंसी होती है उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। वो दो तरह का हो सकता है, रेस्ट या मोशन। तो फर्स्ट लॉ इतना आसान है कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। बहुत सिंपल है भैया, फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। आप सोच अच्छा बहुत बढ़िया भाई सब बहुत शानदार, सिंपल सी बात करते हैं अपन, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं काम की बातों में, सिंपल सी बातें करते हैं लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर एक बॉडी है वो वी रफ्तार से चल रही है तो 9th क्लास में हमने बात की थी कि उसके पास होगा लीनियर मोमेंटम। क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। पी से अगर बात करते हैं अपन, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये लीनियर मोमेंटम है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स लगेगा तो भैया वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या पी चेंज होगा? मैंने कहा हाँ। ये सब बातें हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हम तो ये उल्टा बोल रहे हैं, है ना, कि फोर्स लगेगा तो पी चेंज होगा। बेसिकली बात न्यूटन साहब ने क्या बोली थी कि भैया ये तो पी के चेंज होने की रेट ही तो बेसिकली फोर्स है लाला। तो न्यूटन साहब का जो सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, फास्ट आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड लॉ आपका क्या बोलता है? यहां पे सेकंड लॉ की अगर बात करें, सेकंड लॉ आपको बोलता है, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप फर्स्ट एंड
दर दोनों बता सकते हैं। सेकेंड लॉ बोलता है कि बेसिकली जो फोर्स है आपका वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। एफ इज बेसिकली डीपी बाई डीटी। पी को अगर मैं क्या डाल सकता हूं, पी को यहां पे मैं एम इंटू वी डाल सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म है मेरे लिए वो डीएम बाई डीटी इंटू वी प्लस प्लस एम इंटू डीवी बाई डीटी आ जाएगी। अगर इफ अगर अगर इफ एम इज कांस्टेंट, अगर एम कांस्टेंट है, अगर एम कांस्टेंट है तो डीएम बटा डीटी क्या हो जाएगा आपके लिए, डीएम बाई डीटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर डीएम बाई डीटी जीरो हो जाएगा फिर ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो एफ इज इक्वल टू आपके लिए क्या आ जाएगा, यहां से ये जीरो हो गया है, एम इंटू ए आ जाएगा। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या ये बोलता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होगा? मैंने कहा ये नहीं बोलता, वो ये नहीं बोलता कि एफ इज इक्वल टू एम ए होगा, वो ये बोलता है कि एफ इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। एफ इज इक्वल टू एम ए हमने बोला अगर बॉडी का, अगर बॉडी का मास कॉन्स्टेंट हो तब आप एफ इज इक्वल टू एम ए बोल पाएंगे। अच्छा ये ध्यान रखना भाई साहब, इज द एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन साहब का सेकंड लॉ? मैंने कहा नहीं, ये न्यूटन साहब का सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ये नहीं है, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ ये है, ये तो उसका स्पेशल केस है। तो बोला मास चेंज भी होता है? मैंने कहा होता है बे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जाके तूने रॉकेट पढ़ा होगा, तूने बहुत सारी बातें आगे जाके पढ़ी होगी, थ्रस्ट फोर्स आ जाता है, एफ थ्रस्ट पढ़ा होगा तूने, एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वी आर इंटू डीएम बाई डीटी। डीएम बाई डीटी जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ये आपका मास का चेंज होने की रेट थी, ये रिलेटिव वेलोसिटी थी, जिससे कि मास जो है मेन मास से अलग हो रहा था या बाहर हो रहा था। अब रिवीजन है तो मैं कोई भी चैप्टर बीच में डाल सकता हूं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इतना थ्रस्ट फोर्स लगता था, आप इसको डेप्थ में कहां पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आपने पढ़ा होगा, थ्रस्ट फोर्स के बारे में जानकारी ली होगी। वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी, जो मास अलग हो रहा है, रॉकेट वाली प्रॉब्लम्स, रॉकेट वाली प्रॉब्लम्स, एंड अपन भी रिवीजन में इसकी बात करेंगे तब जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे। अभी तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा एक बॉडी को ऐसे फेंक देंगे, अच्छा तो बॉडी का मास अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे, अच्छा मास तो रफ्तार के साथ चेंज होता है, रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वाली जो आइंस्टीन की थ्योरी है वो जो है रिलेटिविटी वो बताती मास चेंज होता है। मैंने कहा होता है लेकिन उसकी तार सी के कंपेरेबल होनी चाहिए, है ना, m is equal to m not under root of 1 minus v square by c square से मास चेंज होता है, मास रफ्तार के साथ चेंज होता है रियलिटी में। m is basically m not upon 1 minus v square by c square, but यहां पे मास m की जो रफ्तार है v, वो हमारी रफ्तार तो c के कंपेयर में बहुत कम होती है, तो ये v square by c square तो जीरो के आसपास आएगा, 1 minus 0 is almost आपके लिए वो 1 ही आएगा, तो ये m not जो है वो रेस्ट मास होता है। तो हम यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करने वाले नहीं है, हमारी रफ्तार c के कंपेरेबल थोड़ी होती है यार। हाँ अगर हम किसी मास को c by 4, c by 3, c by 2 यानी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की कंपेरेबल रफ्तार देंगे तब आपका मास भी चेंज हो जाएगा। तो ये बातें अपन वैसे भी करते नहीं है, मैंने नॉलेज के लिए आपको ऐसे ही बता दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलता है कि रफ्तार के साथ मास चेंज होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बातें हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे लिए हम जो भी ब्लॉक फेंकेंगे उसका मास कांस्टेंट रहने वाला है, तो क्या एफ इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए आप जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए में अगर किसी बोर्ड सिस्टम की बात करेंगे तो ये टोटल मास होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी। अगर किसी सिस्टम पे हम एफ इज इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, एम टोटल होगा और ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने एक और चैप्टर को यहां पे डाल दिया है, मैंने एक और चैप्टर को यहां पे डाल दिया है। अब आप ये बोले ये तो किसी और चैप्टर की बात यहां क्या घुसा रहा है, मैंने कहा भैया ये तो रिवीजन की बात कर रहे हैं यार, एम वन एम टू एम थ्री एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन एम वन एम टू एम थ्री। तो ये जो एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री डिवाइडेड बाई एम वन जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी वही आपका एम मास टोटल, क्योंकि एम वन प्लस एम टू ये जो टोटल मास होगा इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आपके पास नेट फोर्स यहां पे हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा एक बात बताइए ससुरा, ये सेकेंड लॉ जो है उससे क्या फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया जा सकता है? मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया बहुत शानदार, मैं लगे हाथ के थर्ड भी बता दूं। मैंने कहा मैं थर्ड भी बता देता हूँ, फिर अपन चलते हैं, फिर अपन कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं। न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ आपके मेजे में उतरा है, जस्ट आपने रिवाइज कर लिया है कि एफ इज इक्वल टू एम ए में ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा ओहो, अगर बॉडी चल रही हो, घूम रही हो, कुछ भी कर रही हो, हमें एक्सेलरेशन किसकी लेनी है, सेंटर ऑफ मास की लेनी है ना, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को नेट फोर्स होगा m into acceleration of
सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये पहले जब पढ़ाया होगा इस तरह से नहीं बताया होगा, क्योंकि तब अपन रिवाइज तब हमें पता नहीं था कि ये सेंटर ऑफ मास भी कोई चीज होती है ना, क्योंकि है ना अभी तो हमें पता है, अभी तो हमें पता है। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ओहो बहुत शानदार। थर्ड लॉ की बात करते हैं, लगे आज तीनों आवाज गोली रफ्तार से बोलेंगे तो हमने तीनों ही जो है 5 मिनट में तो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। सारी बातें अब 19 पे तो सारे सवाल होने वाले हैं। थर्ड लॉ की अगर बात करें, थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई साहब, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने कहा अच्छा, आसान भाषा में बात करें तो भैया अगर आप जो है किसी को कंटाप लगाएंगे जितना फोर्स उसके गाल पे आपका कंटाप यानी कि हाथ लगाएगा उतना ही फोर्स आपके हाथ पे लगेगा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये वहां पे अपनी बात करते हैं, ये तो सबको पता होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने एक बॉडी को यहाँ पे रख दिया है, इसका मास m है, नीचे इस पे mg लग रहा है, ऊपर इस पे नॉर्मल लग रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, आपके वेजे में उतरनी चाहिए, बॉडी को फ्री कर दीजिए, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को शो कर दीजिए, बॉडी को फ्री कर दीजिए। जिस बॉडी पे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उस बॉडी को फ्री कर दीजिए और उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस शो कर दीजिए, और जो जहां लगते हैं उसको वहीं शो कीजिए, है ना। जैसे mg हम कहां लेके चलेंगे, सेंटर ऑफ मास पे लेके चलेंगे। mg कहां लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। क्या mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है, मैं यहां पे फिर बता रहा हूं, एक नया चैप्टर में घुसा रहा हूं यहां पे। क्या mg हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होते हैं। मैंने कहा नहीं बे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो हम लोग हमेशा mg को सेंटर ऑफ मास पे क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे पार्टिकल सेम लेवल पे ही होते हैं और उन सब पे जो जी है यानी वो अपन कांस्टेंट मान के चलते हैं, तब हमारा सेंटर ऑफ मास पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं और mg को सेंटर ऑफ मास पे ही मानते हैं, mg को सेंटर ऑफ मास पे ही मानते हैं। अगर मैंने ऐसी कोई रॉड ले ली है जिसकी लंबाई है, मान लीजिए इसकी लंबाई है, एक यूनिफॉर्म रॉड ले ली है, इसकी लंबाई है मान लीजिए 10 किलोमीटर, और इसको वर्टिकली रख दिया, ऐसे रख दिया है, तो इसका सेंटर जो होगा, सेंटर ऑफ मास तो यहां से 5 किलोमीटर ऊपर होगा, लेकिन ग्रेविटी भैया mg जो है वो उसके नीचे यहां कहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ g कम होगा, नीचे की तरफ g ज्यादा होगा। g का वेरिएशन आपने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऊपर की तरफ जाते हैं g कम होता है, डेप्थ में भी g कम होता है, सरफेस पे 9.8 लेके चलते हैं ना, 10 किलोमीटर लंबी ले ली मैंने, लेकिन ऐसे तो ब्लॉक नहीं लेते ना लल्ला, हर एक जगह पे g हमारा सेम होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी वहां पे अपन mg मान लेंगे, वेट उसका वहीं पे मान लेंगे। अच्छा, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है क्या, n = mg, यहां से आ जाएगा बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी कहां पे, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इसका जीरो हो गया है। अच्छा, एक और चीज मैं यहां पे लाया हूं घुमा के, तुरंत मेरे मन से ऐसा निकल गया वर्ड इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम थोड़ी बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम अगर हम पूरा फिजिक्स पढ़ के बैठे हैं तो इक्विलिब्रियम बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आसान भाषा में बात करें तो है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो होगा तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट जीरो होना चाहिए, टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो होना चाहिए और टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए। अच्छा, एफ नेट जीरो होगा तो क्या टॉर्क नेट जीरो होगा, एफ नेट इज जीरो इंप्लाइज दैट टॉर्क नेट इज जीरो। मैंने कहा नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एफ नेट जीरो होगा तो टॉर्क नेट जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे ये ले एक बॉडी बना दी मैंने टक से ऐसी, मैंने मान लो कि एक ऐसी बॉडी बना दी है, इससे फोर्स लगाया मैंने ऐसे, क्या पिछकी हुई बॉडी बन रही है, इससे मैंने फोर्स लगाया एफ, इस साइड से एफ लगाया, यहां से भी मैंने एफ लगा दिया, ओहो, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, नेट फोर्स क्या है, अपने एफ को कैंसिल किया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया इसका टॉर्क आएगा ऐसे, इसका टॉर्क आएगा ऐसे, तो एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क नेट जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर टॉर्क नेट जीरो हो तो क्या एफ नेट जीरो होगा, इंप्लाइज दैट एफ नेट जीरो, सोच के देखिए, अगर मैंने ऐसा बना दिया एक बॉडी को, यहां है सेंटर ऑफ मास, यहां से लगा दिया एफ, यहां से लगा दिया टू एफ,
दोनों कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। नेटवर्क जीरो हो गया है क्योंकि वहीं से एक्सिस, इसके यहीं से एक्सिस जा रही है, इससे नेटवर्क जीरो आ जाए क्योंकि फोर्स वहीं से पास हो रहे हैं, लेकिन नेटवर्क जीरो नहीं होगा, नेटवर्क जीरो नहीं होगा। एफ और टू एफ एफ एन टू एफ एन, नेटवर्क क्या आएगा, एफ आ जाएगा। अगर इंजन नहीं है, इंजन नहीं है, फ्री टू मूव होगी तो ये मूव करने लग जाएगी इधर की तरफ। अच्छा, तो टॉर्क नेट जीरो तब भी एफ नेट जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा वहां पे अच्छे से पढ़ा होगा तो एफ नेट जीरो होता है तब एक बात की गारंटी होती है कि टॉर्क नेट जो है वो कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, वो कांस्टेंट आ जाता है, और उसको प्यार से बोलते हैं कपल टॉर्क। कौन सा टॉर्क, कपल टॉर्क, कपल टॉर्क। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क नेट जीरो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पक्का हमेशा आएगा कि दुनिया के किसी भी बिंदु से टॉर्क निकाल दीजिए, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। ये बातें अगर आपको नहीं पता है, मान लो वैसे तो पता होगी, नहीं पता आप मेन जो चैप्टर है वहां जाके एक बार देख लीजिए कि भैया कपल टॉर्क आने वाले का, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, आप ये केस ले लीजिए। इस वाले केस में नेट फोर्स क्या है, जीरो। आप टॉर्क इस पॉइंट बीच की लेंथ मान लीजिए 2L मान लीजिए, ये L है, ये L है, इस पॉइंट पे बैठ के पता कीजिए, इस पे पता कीजिए, इस पे इधर कहीं पता कर दीजिए, टॉर्क कुछ भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा हमेशा। अरे यहाँ की नहीं यार, ये पॉइंट से अगर आप पता करेंगे इसका जीरो, इसका क्या हो जाएगा, F into 2L, F into 2L, ये पॉइंट से पता करेंगे तो इसका जीरो, इसका F into 2L, यहां से मैंने कहा F into L अंदर की तरफ, इसका F into L अंदर की तरफ, ट्वाइस ऑफ मतलब जो एफ एल ही आ रहा है। आप बोलेंगे कहीं यहां पर पता कर लेते हैं, मैंने कहा ये वाली दूरी एक्स हो जाएगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, 2L माइनस एक्स हो जाएगी, तो इसका क्या होगा, मैंने कहा इसका होगा एफ इंटू एक्स अंदर की तरफ प्लस F into 2L minus X अंदर की तरफ। अरे ये क्या हुआ, फिर से क्या आ गया है, 2FL LE अंदर की तरफ आ गया है, तो कांस्टेंट आएगा किसी भी पॉइंट से। मैंने एक कोई पॉइंट रैंडम पॉइंट यहाँ पे लिया है उसके बाद, है ना। तो एक बात साफ है कि फोर्स जीरो होगा तो टॉर्क जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होगा। और अगर वो कांस्टेंट जीरो हो जाए तब भैया बॉडी इक्विलिब्रियम है। वैसे इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम आपने रोटेशन में जाके देखे होंगे, बॉडी पे नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। हमारे यहां पे जो इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आती है उसमें नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि भैया सब बॉडी को पॉइंट मास मान के चलते हैं अपन, है ना, तो टॉर्क उसका आता ही नहीं है, नेट टॉर्क आने वाला नहीं है ना। सेंटर ऑफ मास से ही अगर फोर्स पास होगा तो फिर टॉर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर कंप्लीट बात करें बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अगर सिर्फ नेट फोर्स जीरो है तो इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कौन सा वाला, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। और ये क्या होगा, ये होगा आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी का इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, दोनों जीरो होगा तब क्या होगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम आएगा। अपन सवाल देखने वाले हैं आगे जाके, मैंने जस्ट आपको फील के लिए बता दिया कि इक्विलिब्रियम का मतलब फिजिक्स में क्या होता है। यहां पे अपने छोटी सी बात कर रहे हैं कि एफबीडी का क्या मतलब होता है, एफबीडी अपन समझ गए, एफबीडी क्या बोलती, बहुत इंपॉर्टेंट है एफबीडी, एफबीडी बनाना आपको आना चाहिए। मैकेनिक्स के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं जब आप एफबीडी बना देते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने लग जाती है, फिर तो आपको इक्वेशन ही तो लगानी है यार, फिर आपको इक्वेशन ही लगानी है। इक्वेशन लगा दीजिए F = ma या फिर इक्विलिब्रियम या कंस्ट्रेंट, जो भी लगाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट बोलता है भैया कि बॉडी को फ्री कर दीजिए और उस पे लगने वाले फोर्सेस को शो कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा है, मैंने कहा mg नीचे नॉर्मल ऊपर और इसकी एक्सेलरेशन जीरो है तो ये और ये बराबर होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो क्या नॉर्मल और mg इक्वल है, मैंने कहा हाँ। क्या अपोजिट है, मैंने कहा हाँ। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, मैंने कहा ये क्या होता है, मैंने कहा न्यूटन साहब का थर्ड लॉ बोलता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। इसका मतलब एक फोर्स अगर एक्शन है, जैसे कंटाप मारने के कारण जो गाल पे फोर्स लगा है वो एक्शन है, तो फिर गाल के द्वारा हाथ पे लगने वाला फोर्स रिएक्शन होगा। अगर एक एक्शन है, अगर एक एक्शन है तो साथ में एक रिएक्शन भी होगी, है ना, ये फोर्स होगा, और इनको क्या बोला जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन साहब का जो ये फोर्स ये बोलता है, हर एक फोर्स का एक एक्शन होगा तो एक रिएक्शन पेयर होगा। मैंने कहा अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ये बोलता है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तब होंगे। अच्छा, दो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर कब होंगे,
तो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर कब होते हैं? अच्छा यहां पे अगर कब होते हैं ये पता होगा तभी ये बता पाएंगे कि क्या नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये तो इक्वल भी है अपोजिट भी है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? मैंने कहा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अगर आपका ये एक्शन है, ये एक्शन तब आया होगा जब धरती माता के ऊपर इसने एन लगाया होगा, तो धरती माता ने इस पे ऊपर की तरफ एन लगाया है, ये एक्शन है, तो ये रिएक्शन है, दोनों इक्वल है, अपोजिट है, और एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लग सकते। अच्छा नॉर्मल बीस पे एमजी बीस पे इक्वल है अपोजिट है, लेकिन दोनों बराबर, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर कभी सेम बॉडी पे नहीं लगते हैं। अच्छा ये अगर एमजी एक्शन है तो रिएक्शन कहां हुआ? मैंने कहा ये तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एम वन एम टू आर स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। अरे भैया यहाँ एम वन है, यहाँ एम टू है, ये इसको बुला रहा है फोर्स से, तो उतने ही फोर्स पे धरती माता को ये ब्लॉक बुला रहा होगा, है ना? अगर ये एक्शन है तो धरती माता के सेंटर पे इस एमजी के बराबर इक्वल फोर्स वापस ये ब्लॉक लगा रहा होगा। ग्रेविटेशन पढ़ के आए, अभी एमजी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पे जी वहां पे एक्सेलरेशन, ये फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अरे जैसे फोर्स होता है क्यू इंटू फील्ड है ना ई, तो वैसे ही आपका ये एम इंटू जी है, मतलब सिंपल है ना। अब तो आप जानते हैं अच्छे समझ गए कि अच्छा ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये फील्ड मतलब खेतों से मतलब नहीं, कुछ होता है जो दिखाई नहीं देता है, उसको अगर क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू इंटू ई से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स ये सब पता लग गया, मास से मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल फील्ड से तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिल गया। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आसान भाषा में हमने इसकी वैल्यू जी बोल दिया है, यानी कि जो धरती माता का मास वगैरह जी वगैरह वैल्यू डाल के 9.8 निकाल दिया था हमने अर्थ के आसपास की ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को जी बोल दिया था, यानी ये हमने आसान करने के लिए 9th में वहां से पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो ये सब आसान है। हालांकि ये जो क्या है, ये तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है एमजी, और क्या है, इस पे एमजी लग रहा होगा वापस धरती माता पे, तो एमजी के बराबर ही फोर्स लग रहा होगा, है ना? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, है ना, बहुत शानदार। अच्छा ये मान लो इसका मास एम है और धरती माता का मास कैपिटल एम है, तो ये फोर्स जो बीच में लग रहा है ना वो क्या होगा? वो होगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अगर जस्ट ऊपर रखा है तो आर स्क्वायर होगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इन सब की वैल्यू धरती माता पे डाल दी तो ये आइटम mg हो गया। अब g की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर रखा और g कर दिया, ये mg है। अब आप ग्रेविटेशन पढ़ के आए हुए हैं, आपके लिए कोई बहुत टफ चीज नहीं है, तो आपको समझ में आ गया कि n और mg इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर कौन होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर कौन होते हैं मैं आपको बता दूं आसान भाषा में, एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, दो फोर्सेज एक्शन रिएक्शन पेयर जो होंगे तो दो फोर्सेज होंगे, वो कैसे होने चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन तो हमारा नॉर्मल और एमजी भी फॉलो कर रहे हैं, इक्वल है अपोजिट है डायरेक्शन में, ओ हो 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 हो। और तीसरा क्या है? मस्ट बी एक्टिंग एक्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगता लाला। और चौथी बात ऑफ द सेम नेचर है ना, मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर, मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। क्या बोलना चाह रहा है मास्टर? कि जैसे मान लो कि दो फोर्स है F1 एंड F2, कोई दो बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, फोर्स F और ये फोर्स F लग रहा है, तो F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी, लेकिन एक है आपका 10 न्यूटन और एक है 10 न्यूटन, मान लो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते ना, तो सेम नेचर के होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, यानी कि दोनों अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने चाहिए। तो अपन ने बातें की है न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, सेकंड लॉ से अपन फर्स्ट एंड थर्ड तीनों को एक्सप्लेन कर सकते। एक बात मुझे बताइए,
कौन सा ऐसा लॉ है जो नॉन एसियल फ्रेम में भी बेधड़क लगता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं लगते, सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन थर्ड लॉ भन्नाट लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी, है ना। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सूडो फोर्स लेना पड़ता है। उसको आगे जाके अपन देखते हैं भाई साहब। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो अभी तक हमने बहुत छोटी सी बातें कर दी है और अपन सवालों पे जाते हैं, टेक्निकलिटीज पे अपन जाते हैं कि भैया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या क्या है, वो लॉ तो हमें समझ में आ गए, अब तो कुछ भी नहीं है यार, अब तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से अपन सवाल सोल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखें। यहां अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो हमने कुछ फोर्सेस नए सीखे हैं, यानी कि उनके नाम भी बड़े सूखले हैं, टेंशन, नॉर्मल, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम जब नए नए आए थे, हमें स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम, तो हमें लगा कि अरे यार क्या है नॉर्मल फोर्स, क्या नॉर्मल है, बाकी सब क्या है, नॉर्मल होते हैं, कैसा है नॉर्मल फोर्स, कैसे हो सकता है। तो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात की, ऐसे फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगते हो, कहां लगते हो, कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगते हो, ऐसे फोर्सेस की बातें हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में की है। उसी कड़ी में हमने जो पहला फोर्स सीखा है वो था नॉर्मल रिएक्शन। कैसा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन। कहां लगता है? कोई दो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है। कौन सी? कोई दो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है। जैसे ब्लॉक को मैंने यहां पे रख दिया, मैं बहुत थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि आप ये जानते हैं, तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे घुसना चाह रहा था इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे, ये इनके बीच की कॉन्टैक्ट सरफेस है, लेकिन सरफेस ने बोला नहीं लाला, हम घुसने नहीं देंगे, हम आप पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे। ओ, तो अगर आपको आसान भाषा में बात करूं नॉर्मल रिएक्शन की, हम एक फोर्स यहाँ पे नया सीखे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये कैसा होता है? इट acts on the contact surface in such a way that it tries to compress the surface. It acts on the surface in such a way that it tries to compress the surface and it is normal to the contact surface and it is normal to the contact surface. ये कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल होता है, इसीलिए प्यार से इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, दो सरफेस अगर कॉन्टेक्ट में होगी, अगर दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होगी, थोड़ा फास्ट में हूं क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातें सब बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि भैया थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा, नहीं तो ये रिविजन वाला कार्यक्रम लंबा हो जाएगा ना। मान लो ये 2 kg है, मान लो ये 3 kg है और ये 5 kg है, 2 kg, 3 kg एंड 5 kg यहाँ पे मस्त रखे हुए हैं, क्या यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा? मैंने कहा नीचे mg लग रहा 20, नॉर्मल ऊपर की तरफ 20, 30, 50, 50, इन दोनों सरफेस भी तो कॉन्टेक्ट में है लल्ला, 2 kg और 3 kg, 3 kg एंड 5 kg, मैं ऐसे इसके जस्ट पास में खड़ा हूं, क्या हमारे बीच में कोई कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है? मैंने कहा नहीं, मैंने हाथ इसके जस्ट यहाँ पे रख दिया, क्या कोई कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है? मैंने कहा नहीं। लेकिन अगर मैंने गुस्ताखी की और इस बोर्ड को धक्का दिया, तो बोर्ड ने बोला नहीं लल्ला, हम तो अंदर जाने वाले नहीं है, हम अपोज करेंगे और हम तुम पे एक फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स आपके, हमारी जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसका नाम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स की जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है कि भैया कॉन्टेक्ट में सरफेस होगी तो फोर्स लगे कतई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे फोर्स जीरो है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो अब यहाँ पे भी नॉर्मल आएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल आ जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तब तो पक्का गारंटी है कि ये चलेगा, यहाँ भी नॉर्मल आएगा, यहाँ भी सरफेस। तो अपन समझ गए आसान भाषा में कि भैया नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इन कब कब लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगता है और इट ट्राइज टू कंप्रेस दी सरफेस। यानी मास्टर बहुत फास्ट बोल रहा है क्योंकि उसे पता है सारी चीजें बतानी है, बहुत फास्ट फास्ट सारी चीजें बतानी है अपने को। अच्छा, समझ गए, नॉर्मल फोर्स बेसिकली कॉन्टेक्ट फोर्स है और जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, कौन सरफेस? जो कॉन्टेक्ट सरफेस है और इस तरह से लगता है कि उस सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। मैंने कहा अच्छा, अगर यहां तो बहुत आसान था कि सरफेस जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो ऐसी फ्लैट सरफेस आएगी, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लग जाएगा। कल को मान लो ऐसा माहौल बन जाए, कैसा माहौल बन जाए कि एक तो सरफेस हो और एक का एक पॉइंट हो, एक का सरफेस और एक का पॉइंट हो, कैसा हो सकता है? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको बात करूं, कुछ लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, क्या करते हैं जरा ध्यान से देखें। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैंने बाउल रख दिया है, ऐसा बाउल रख दिया है, यहाँ तो कॉन्टेक्ट सरफेस में ऊपर वाले का तो एक ही पॉइंट आ रहा है, नीचे सरफेस आ रही है। इस तरह के केस में आपकी जो एक सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यानी इस बाउल पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, है ना। कुछ और एग्जांपल बताएंगे आपको, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, टक 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 टक,
यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक रॉड रख दी है, यहाँ पे मैंने एक रॉड रख दी है ऐसी। आपको बोले रॉड का एक बीडी बनाए, रॉड का एक बीडी बनाए, तो रॉड पे यहाँ पे एक एमजी लग रहा होगा, दो नॉर्मल लग रहे होंगे। अब यहाँ पे जो एक सरफेस है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो आप इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यहाँ पे मान लो कि ये N1 लग रहा है, यहाँ पे एक सरफेस है, ये पॉइंट है, तो ये N2 लग रहा होगा। नीचे आप इस पे एमजी मान लीजिए, इतने ही फोर्स लग रहे होंगे, है कि नहीं यार? अच्छा, यही अगर ऐसा बन जाता, यही अगर ऐसा बन जाता कि ये ऐसी रॉड होती, ऐसी रॉड होती, ऐसी रॉड होती, तो क्या होता, क्या होता, जरा ध्यान से बताएं। ये दीवार है भैया, टक 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 टक, यहाँ पे एक पॉइंट पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, इसमें नॉर्मल क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसका पॉइंट है, सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये आपका नॉर्मल हो गया। मान लो इसको आपने N2 बोला, यहाँ का N1 कैसे लेंगे आप, इसकी सरफेस है और इसका पॉइंट है, परपेंडिकुलर अगर आप डालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं रॉड की बात करूं तो N1 ऐसा हो जाए। क्या आपके भेजे में ये बातें उतर गई है, क्या आपके भेजे में ये बातें उतर गई है? इनका हाँ, अगर दोनों सरफेस फ्लैट हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर एक सरफेस फ्लैट हो और दूसरा वाला आपके लिए क्या हो, एक पॉइंट टच हो रहा हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने एक बॉल है, उसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे दीवार है, क्या करेंगे भाई साहब, किधर नॉर्मल लगेगा, किधर नॉर्मल लगेगा? तो अगर इसका भी एक पॉइंट टच है और इसका भी एक पॉइंट टच है, तो हमने क्या बना दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दी, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दी, तो इस वाली जो बॉल है, यानी ये जो स्फीयर है, इस पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ऐसे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सिमिलरली यहां से भी फोर्स इस डायरेक्शन में आपके ऊपर लगने वाला है। टेंजेंट डाल दीजिए उस पॉइंट पे, कॉमन टेंजेंट, उसके नॉर्मल डाल दीजिए, जो कि नॉर्मल हो जाएगा टेंजेंट के ऊपर, उसके अलॉन्ग आपके लिए कॉन्टेक्ट फोर्स लगने वाला। अब आप सोच के बताइए कि मास्टर साहब हमें तो इससे ज्यादा भी पता है, अरे ये तो नॉर्मल फोर्स आप बोल रहे हैं ना, ये तो बेसिकली एक कॉन्टेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला कंपोनेंट है। आगे जाके फ्रिक्शन में यही तो पढ़ते हैं कि बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि भैया एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसपे इधर फोर्स लग रहा है और ये रुकी हुई है, इसका मतलब इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऊपर इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, यानी ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, कौन सी वाली, ये जो धरातल के साथ में जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये जो धरातल के साथ में जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वाली, इसने इधर फ्रिक्शन लगाया होगा, किसने लगाया, मैंने कहा इस फ्रिक्शन ने लगाया होगा, ये कौन है, मैंने कहा सॉरी ये जो फ्रिक्शन है वो किसने लगाया होगा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ने, ये नॉर्मल किसने लगाया होगा, मैंने कहा ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, अरे तो कॉन्टेक्ट सरफेस ने तो बेसिकली इधर की तरफ एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगाया है जिसका मैग्नीट्यूड है N² + F² और ये एंगल आपका लैम्डा हो जाएगा, है कि नहीं यार? बेसिकली ये कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। अब आपको कभी बोल दे कि भैया किसी सरफेस द्वारा कितना फोर्स लगाया है तो क्या नॉर्मल निकालना है, मैंने कहा नहीं, अगर वहां फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, कहीं सवाल में लिखा हो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, सिर्फ लिखा हो तो नॉर्मल निकाल के बैठ जाएगा, ताले ऑप्शन ए में नॉर्मल दिखाई देगा, गलत हो जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस की अगर बात कर रहा होगा तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहा है, यानी तुझे नॉर्मल भी पता करना है, तुझे फ्रिक्शन भी पता करना है, √N² + F² निकालना है ना। अरे कॉन्टेक्ट है ये एफसी का ऊपर वाला कंपोनेंट, मान लो कि ये लैम्डा या थीटा मान लीजिए, अगर ये थीटा है तो एफसी कॉस थीटा इज नॉर्मल, एफसी साइन थीटा इज फ्रिक्शन, है ना। अरे भैया ये क्यों लगता है फ्रिक्शन, साथ बरकरार रखने के लिए, रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, और है ना साथ बरकरार रखने का सपना सिर्फ फ्रिक्शन का नहीं होता, नॉर्मल का भी होता है, है ना। फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग का या टेंडेंसी का अपोज करता है, कभी कभी स्लाइडिंग की बजाय ट्रक लोग स्लिप नहीं होते, टॉपल हो जाते हैं। तो अपने बहन, ये मान लो कि ये हैं बड़े आदमी हैं, एफसी, इनका एक बेटा और बेटी है, यानी एक कंपोनेंट फ्रिक्शन है और एक नॉर्मल है। जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करता है, किस तरह से कि वो इस तरह से फोर्स लगाता है कि रिलेटिव स्लाइडिंग या टेंडेंसी नहीं हो, इसकी भी एक औकात होती है जिसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ये तो अपना काम कर रहा है लेकिन साथ बरकरार रखने के लिए इसने कोशिश किया, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो इसका टॉर्क आ रहा है, तो भैया बॉडी स्लिप नहीं की, टॉपल कर गई। तो फ्रिक्शन ने तुरंत अपने दोस्त को यानी भाई को फोन लगाया कि अरे यार हमारा जो सटल मेटल था साथ रखने का, मैंने अपनी ओर से कोशिश भी की, लेकिन यार मैंने जो कोशिश की उसमें मैंने स्लाइडिंग तो रोक दी, लेकिन यार मेरा टॉर्क आ गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये तो घूमने लग गया, नुकसान हो गया यार, साथ बरकरार रखना था,
है ना, ये तो जा रहे हैं, हमारा प्रेम जो है वो मतलब मेरी सारे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, भैया आप कुछ हेल्प कर दीजिए। फिर भैया हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं, भैया जो है अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, नॉर्मल अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है। नॉर्मल जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास हो, वो उधर की तरफ शिफ्ट होता है, एंटी डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है। जिस तरह से इनकी एक लिमिट है कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं लग सकती, उसी तरह से ये भी अपनी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजिशन पे जाएगा, उससे ज्यादा लग रहा है, फिर गाड़ी टॉपल होगी, फिर गाड़ी टॉपल हो जाती है ना। तो बेसिकली साफ बना रखने का सपना किसका है, कॉन्टेक्ट फोर्स का होता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज फ्रिक्शन एंड वन इज नॉर्मल है। तो नॉर्मल हम समझ गए कि वो भैया ऐसा फोर्स है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और वो सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। एक आध सवाल देख लें क्या, टाइम कितना हुआ है, टाइम अपने पास 1 घंटे के आसपास का टाइम यहाँ पे हमारे पास हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्मल मैंने बता दिया ना, मैं टेंशन नहीं बता देना चाह रहा हूँ। फिर एक दो सवाल देखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में आगे की अपन बात, फिर सवाल ही देखेंगे। मतलब बेसिकली एक दो लेक्चर में अपन है ना थोड़ी फास्ट फास्ट ये चीजें देख लेते हैं, जिससे कि आप रिकैप कर लें कि बेसिकली हो क्या रहा है ना। फिर लास्ट में मैं 5 मिनट में भी सारी चीजें आपको बता दूंगा। सो जो मतलब जो है जो एकदम रॉकेट रिवीजन है ना, जिसको रॉकेट रिवीजन बोलते हैं कि आप पूरा चैप्टर 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं। अरे ये जो पूरा लेक्चर अभी तक हमने पढ़ा उसको कैसे बोल सकते हैं भैया, सिंपल है, इनर्शिया क्या होता है पता आता है, अच्छा लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर वही बात जो फर्स्ट लॉ बोलता है, रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, कब चल रहा है यूनिफॉर्म रफ्तार से चलता रहेगा तब तक की कोई एक्शन फोर्स ना लगे, खत्म बात। एफ इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, एफ इज इक्वल टू एम ए सेकंड लॉ नहीं, एम इंटू ए में ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास चेंज होगा थ्रस्ट फोर्स आएगा, वी आर इंटू डीएम बाय डीटी, कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, यस एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ना, कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, अपोजिट इन डायरेक्शन, मस्ट बी एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी और सेम नेचर के होने चाहिए, क्या क्या तो फोर्स जो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे उनकी ये कंडीशन है, बस खत्म। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या चाहिए, मैंने कहा नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क कांस्टेंट आता है, लेकिन अगर वो जीरो आ जाए तो सॉल्व करके वो जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। अगर बॉडी में सिर्फ नेट फोर्स जीरो है तब तो वो सिर्फ ट्रांसलेशनल हो गया, नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेशनल हो गया, अगर दोनों जीरो हो गए तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया, बात ही खत्म, सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर अपन बात करें फोर्सेस की, तो अभी अपन नॉर्मल के बारे में बात की, अभी अभी देखना नॉर्मल पे सवाल देखने से पहले अपन बात करते हैं, मान लो कि हम थोड़ा सा टेंशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल के जस्ट साथ में हमने एक और नया फोर्स इस चैप्टर में पढ़ा था, उसका नाम है टेंशन, उसका नाम क्या है, टेंशन है। अब दिमाग में जो तनाव आता है, मैंने कहा वो तो गरीब लोगों के अंदर आता है जिसमें बुद्धि नहीं होती है, फुकट का स्ट्रेस लेते हैं, हम वैसे बालक नहीं है, हम ऐसे कतई बालक नहीं है, हमें ये पता है कि नीट और एमबीबीएस की सीट इंपॉर्टेंट है पर वो सब कुछ नहीं है, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर जो बहुत ज्यादा सैलरी पाते हैं, 1 घंटे के ऑपरेशन के करोड़ों पाते हैं, वो भी भ्रष्टि आए हुए मिल सकते हैं, और एक ऐसा बच्चा जो एबीडी नहीं बना पाया था, अपना मस्त काम कर रहा होगा खेत में, भले वो नरेगा पे काम करे, भले वो कहीं काम करे, लेकिन वो ज्यादा खुश हो सकता है, इसमें कोई मतलब दोहराए वाली बात नहीं है। तो हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप ये मत बोलिए इसका कंक्लूजन, यस 3 घंटे का पेपर मतलब जो है मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, तो फिर आप वही जो 3 घंटे का पेपर है उसी पे समोसे बेचते हुए मिल सकते हैं, है ना। ये भी रियलिटी है कि फरारी के अंदर बैठ के रोना ज्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू ऐसे ही रोना, है ना, रोना तो दोनों ही है, लेकिन हम लोग दिल से चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, किसी के फोर्स की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। चाहते तो इंजीनियर भी बन जाते हैं ना यार, चाहते तो हम लोग इंजीनियर भी बन जाते हैं, कितना आसान है, कोई भी बन लेता है, लेकिन हमने भगवान बनना खुद चूज किया है, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया। हमने बायोलॉजी इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें आरडी शर्मा से डर लगता था, हमने इसलिए नहीं ली कि हमसे हमें मैथ टफ लगती थी, हमने इसलिए ली कि हमें वो व्यक्ति बनना है जो इंसान की जिंदगी बचाता है, उससे बड़ा कोई नहीं बन सकता, वो भगवान बनने के लिए हमने स्टार्ट किया था ये मिशन। जब भी ऐसा लगे कि मैं कुछ लेक कर रहा हूं या कहीं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो फर्स्ट डे ये आप याद करें कि यार हमने क्यों स्टार्ट किया था, हमने ये जुनून फर्स्ट डे में जो नीट की तैयारी क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हम एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन पाए, है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर बन पाए, बहुत ही लोगों का भला कर पाए, और बेसिकली लोगों का भला करेंगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। आइए फिर करते हैं काम की बात, बाकी इंजीनियर तो आप ऐसे ही बन जाते हैं यार, आपने एक टफ मार्क सिलेक्ट किया है ना, आप कुछ लोग जो है चंपू टाइप का, आईआईटी में नहीं होगा तो एनआईटी में हो जाएगा, एनआईटी में नहीं होगा तो जीआईएफटी गवर्नमेंट फंडेड किसी कॉलेज में हो जाएगा,
अरे सब लोगों का हो जाता है, क्या करते हैं, कुछ भी तो करते रहते हैं। एक देख लीजिए इधर, कुछ भी कर रहे हैं यार, मतलब पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना हम लोग, ए से लेके जेड तक सारे काम करते हैं। लेकिन आप डॉक्टर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर लोग जो हैं वो डॉक्टर ही बनते हैं और उन्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए, मतलब वो उससे बढ़िया प्रोफेशन कोई और प्रोफेशन हो नहीं सकता है। तो आप एक बहुत अच्छे मार्क की तरफ, यानी बहुत एक अच्छी जिंदगी की तरफ, आप अपनी और लोगों की बदलने वाली जिंदगी, यानी जो बहुत अच्छी, जिसे बोल सकते हैं बेस्ट, मेरे हिसाब से डॉक्टर जो है सबसे बेस्ट है, कई इंजीनियर से भी बेस्ट हो सकता है अगर वो ईमानदारी से काम करे। अगर वो मतलब गलत तरीके से काम करे तो फिर उससे बुरा भी कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। आप बनेंगे उसके लिए आपको नीट फोड़ना होगा, और नीट फोड़ने के लिए आपको चीजें अच्छे से रिवाइज करनी होगी, और उसके लिए आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। बस मतलब जो है एक जुनून के साथ मोटिवेट होके यहीं पे अपने को अभी जो बचा कुचा टाइम है उसमें चीजों को बहुत अच्छे से करना होगा। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ज्ञान दिए जा रहे हो, अबे यही सत्यता है, जो लास्ट में अच्छा कर लेते हैं वो पूरा कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें पहले नहीं पता था कि एक्शन रिएक्शन पेयर में चार कंडीशन होती, पहले नहीं पता था, अबे आज पता लग गया ना, अब एग्जाम तक पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आज से 2 साल पहले तुझे पता था तो अच्छी बात है, लेकिन अब पता लग गया वो भी अच्छी बात है, और तेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं यार पता है 1-2 साल तो मजे कर दिए, लेकिन लास्ट में ऐसा पड़ा ना भाई, सब आग लगा दी मार्केट के अंदर, है ना। भोकाल लोग ऐसे ही होते हैं, जो अंत में अच्छा कर दे वही तो भोकाल होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं जो सब काम करते हैं। मग्गू लोग जो हमेशा पढ़ते रहते हैं जी, भोकाल लोग तो आ, लेकिन इतने भोकाल मत बनिएगा कि हम लास्ट के 7 दिन में पढ़ेंगे। भैया लास्ट के 7 दिन में आप इंजीनियरिंग का सेमेस्टर एग्जाम पास कर सकते हैं, नीट नहीं निकाल सकते, कट ऑफ वगैरह जानते हैं। लास्ट बार 2 साल का वक्त भी कम लगता है एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे के लिए, है ना। आपके लिए सफिशियंट है बचा कुचा टाइम भी, लेकिन अब यहां से आगे आपको पूरी सिंसियरिटी से पढ़ना होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। और आपको ये सिलेक्शन के लिए थोड़ी आए यार, आप बेहतरीन कॉलेज जो आपका ड्रीम कॉलेज है वहां पे जाने के लिए आए। सिलेक्शन आपका सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेज में जाना है, बहुत फर्क होता है एक नए से चंपू कॉलेज में जाना और एक बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना। आइए काम की बात करते हैं, नॉर्मल के बाद आगे बढ़ते हैं, अपन टेंशन की बात कर लेते हैं गोली की रफ्तार से। दूसरा फोर्स जो हमने पढ़ा था वो था टेंशन। वो क्या था? वो टेंशन था भाई साहब, क्या क्या था टेंशन? पी की बात करें, एक और फोर्स हमने यहाँ पढ़ा है, उनको पढ़ेगी अपन अगले वाले लेक्चर में बात करते हैं। स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे, खूब सारे सवाल सोल्व करेंगे, और फिर एक और फोर्स की बात करेंगे फ्रिक्शन, क्योंकि अपने आप में एक नया चैप्टर हो जाएगा। तो टेंशन नाम का फोर्स हमने पहली बार इसी वाले चैप्टर में पढ़ा था, पहले तो हमको कंफ्यूजन हुआ था कि साहब टेंशन फोर्स भी कोई फोर्स होता है क्या, है ना, टेंशन फोर्स भी कोई फोर्स होता है। अच्छा देखिए, टेंशन है, और एक और चीज आपने आगे जाके पढ़ा था सरफेस टेंशन। टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, वो न्यूटन पर मीटर है, और ये न्यूटन है, ऐसे बता रहा हूं, जब जो भी याद आ रहा है वो सब कुछ आपको बता रहा हूं। सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन जो टेंशन फोर्स है वो आपका फोर्स है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, किस तरह से लगता है? बहुत आसान भाषा में अगर बात करें तो हमने एक बॉडी को यहां पे रख दिया भाई साहब, यहां पे रख दिया, ये नीचे जाना चाह रही थी एमजी की वजह से, लेकिन धागे ने मना किया, क्या किया, एक फोर्स लगाया, है ना, यहाँ पे ऊपर लगेगा जिस पे नीचे लगेगा, टेंशन एक्ट्स अलोंग द रोप, वो धागे के अलोंग लगती है, इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू अपोज इन द इंक्रीज इन द लेंथ। ससुरा एमजी क्या बोल रहा है ब्लॉक को कि तुम चल लो धागे की लंबाई बढ़ा लेते हैं, लेकिन धागा बोलता है मैं इनएक्सटेंसिबल हूं, मैं आपके जो एमजी के इधर चलाने का विचार है इसका अपोज करता हूं, मैं खुद आप पे इधर फोर्स लगाता हूं, और मेरे अंदर जो ये फोर्स है वो टेंशन है। वो कैसा फोर्स है, इसका नाम क्या है? टेंशन है। कैसे लग रहा है? अलोंग द धागा लगता है। कैसे लगता है? अलोंग द स्प्रिंग लगता है, इन सच ए वे दैट इट ट्राइज टू अपोज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। आसान है, इतना सही तो बात है यार। अच्छा ये सिंबल इस पे ऐसे और इस पे ऐसे कैसे? मैंने कहा भैया ये यहां पे क्या करेगा, इसको खींचेगा ऐसे, को खींचेगा ना, ये हमेशा खींचता है, टेंशन हमेशा खींचता है, कभी भी धक्का नहीं देता है। हम जो रोप वगैरह यहाँ पे लेंगे, वो हमारे जो ज्यादातर सवालों में एनएलएम वाले सवालों में बात करेंगे तो मासलेस होगी और इनएक्सटेंसिबल होगी, यानी वो उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी और मास नहीं होगा। मास वाला भी होगा तो अपन नेक्स्ट वाली क्लास में बात करते हैं कि मास वाली रोप को कैसे अपन को डील करना है। तो टेंशन फोर्स का भी एक बेसिक आइडिया अपने को आ गया है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब एक बार मान लेते हैं कि मास वाली रोप को तो क्या कैसे करेंगे। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, मैं ये बोल देता हूं कि मेरे पास एक रॉड है, इसका आसान कर लेते हैं,
एक रॉड है जो कहां रखी हुई है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे रखी हुई, कहां रखी हुई है, स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, इधर जो है इधर इस पे लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लीजिए कि इसकी इसका टोटल मास 10 केजी है और इसकी लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर है। अब आप बताइए कि ये उधर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, आप बोलेंगे जाएगी भैया पूरा एक्विटी बनाएंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, नीचे इस पे 100 लगेगा नॉर्मल, ऊपर 100 लग जाएगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में 200 एक्सेलरेशन आएगी उधर। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं आपको, ये आप बता सकते हैं 200 माइनस 100 यानी कि 100 नेट फोर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास 10 यानी एक्सेलरेशन आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आ जाएगी। लेकिन क्या इस रोप के हर बिंदु पे, ये एक रॉड टाइप का आइटम मान लीजिए, हर पॉइंट पॉइंट पे टेंशन सेम होगी क्या? मैंने कहा नहीं, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होने वाली नहीं है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मास वाली रोप है, अगर मास लेस होगी तो उसमें हर जगह टेंशन सेम होगी, जब तक कि वो किसी और सरफेस से टच ना करते, है ना, किसी और चीज से टच ना करें। आगे आगे जाके आपने आपने ये जाना होगा कि अगर एक पुली है, अगर एक पुली है यहाँ पे फ्रिक्शन है, कैसी पुली है, फ्रिक्शन वाली पुली, अगर ये फ्रिक्शन वाली पुली है और यहाँ पे आपने लगा रखा है M1, यहाँ पे लगा रखा है M2, और अगर ये मास लेस स्प्रिंग है तो यहाँ का टेंशन होगा T1, यहाँ का टेंशन होगा इस पूरे में T2, लेकिन बीच में अगर फ्रिक्शन वाली पुली आ गई तो T1 और T2 अलग अलग होंगे, और अगर पुली भी फ्रिक्शन लेस हुई तब तो T1 T2 सेम होगा, सेम धागे में सेम टेंशन होगी। तो क्या सेम धागे में सेम टेंशन हमेशा होती है? मैंने कहा नहीं, अगर फ्रिक्शन वाली पुली आगे फिर अलग होगी, और अगर ये फ्रिक्शन लेस हो गई तो T1 एंड T2 सेम होगी, सेम धागे में सेम होगी। धागा कैसा होना चाहिए? मास लेस। अगर मास वाला धागा होगा, अब कैसे पता करेंगे? अब आपको कोई बोले कि मिड पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा होगा, मैंने कहा बहुत आसान है, मिड पॉइंट पे इसको तोड़ दो और यहाँ पे धागा मान लो, इस धागे में जो टेंशन होगी वही यहाँ पे इस रॉड में टेंशन होगी। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो मिड पॉइंट से दो ढाई ढाई मीटर की लंबाई ये होगी, ढाई की ये होगी, टोटल 10 kg है, ये 5 kg होगा, ये 5 kg होगा, FBD बना दीजिए आप, ये 5 kg या बीच में धागा, ये 5 kg, इधर क्या लग रहा है 200 न्यूटन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है, और एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम की इधर की तरफ क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे टेंशन टी है। ये पता करना है तो पता किया जा सकता है, किसका एबीडी बनाए, किसी का बना लो, जैसे इसका बना दिया अपन ने तो बड़ा कौन होगा 200 बड़ा होगा, 200 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी 5 इनटू 10, टेंशन की वैल्यू क्या आ गई है 200 माइनस 50 यानी कि 150 न्यूटन, मिड पॉइंट पर टेंशन होगी 150 न्यूटन। अच्छा 150 न्यूटन, अब आप ध्यान से इसका एबीडी बनाएंगे तो 150 उधर की तरफ है, 100 इधर की तरफ है, नेट फोर्स आ गया 50 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 10 आ गया ना। अच्छा आपको बोले कि यार इस रॉड पे मिड पॉइंट पे मत बताइए, आप तो हमको यहां से 1 मीटर की दूरी पे बताइए, कहां पे बताइए, यहां से 1 मीटर की दूरी पे हमें बताइए। तो मैंने कहा यहां से इसको तोड़ दीजिए, बीच में क्या मान लीजिए धागा मान लीजिए, अब ये इधर वाला ब्लॉक बन गया है एक, एक ये वाला ब्लॉक बन गया ना, इधर वाला ब्लॉक बन गया है, बीच में क्या है धागा है, और एक ये है, इधर क्या लग रहा है, इधर आपके पास 200 न्यूटन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इधर आपके पास 100 न्यूटन लग रहा है, क्या लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है, और ये आपका 4 मीटर है, और ये आपका क्या है 1 मीटर है, 5 मीटर का कितना है 5 मीटर का 10 किलो है, तो भैया 1 मीटर का क्या होगा 2 kg per meter, तो इसका मास होगा 2 kg और इसका मास होगा 8 kg, कितना हो जाएगा 8 kg हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार, इसका एबीडी बना दो, यहाँ का टेंशन पता किया जा सकता है ना, तो ये आपका हो गया, इसका एबीडी बनाएंगे तो कौन बड़ा होगा, ये उधर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन तो वही है आपका 10, तो 200 माइनस टी कर दीजिए, या फिर इसका एबीडी बना दीजिए टी माइनस, इसका एबीडी बनाएंगे क्या आएगा टी माइनस
100 इज इक्वल टू 8 इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन क्या आ गई ये सॉल्व करके 80 प्लस 100 यानी कि 180 न्यूटन। चेक करके देख लीजिए इस वाले पे क्या हो रहा है, ये 2 केजी है, इधर क्या लग रहा है 200 न्यूटन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है 180 न्यूटन लग रहा है, नेट क्या आ गया है 20 आ गया है, 20/2 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया। यानी कि आपको मास वाली रोप भी आ जाए तो आप कर लेंगे, डरने की कतई जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे पूछा जाए वहां से रोप को तोड़ दीजिए दो भागों में, बीच में धागा मान लीजिए और भैया FC2M लगा दीजिए और उस धागे का टेंशन पता कर दीजिए, धागे में जो टेंशन होगी वही मास वाली रोड में वहां पे टेंशन होगी। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार हमको लगता है कि टाइम काफी हुआ है लेकिन फिर भी हमें एक आध सवाल सोल्व करना चाहिए। एक आध सवाल सोल्व करते हैं फिर अपन जो है ये वाला जो लेक्चर 1 है रिवीजन का इसको खत्म करते हैं। इसमें हमने बहुत बेसिक बातें की है, 2 में अपन अच्छे सवाल देखने वाले हैं, बचे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में फास्ट फास्ट बातें करेंगे। मास्टर चाहता है कि आप मास्टर है ना हर छोटी छोटी चीज को बता दे, आपको हर छोटी छोटी चीज को बता दे, कोई भी चीज आपको लगे कि ये यार ये पर्टिकुलर चीज मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती, फिर आप वहां पे जाइए कि यार ये वाले कौन से चैप्टर में होगी, वहां पे और अच्छे से डेप्थ में जाके, जैसे NLM में यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप NLM YouTube पे देखेंगे तो अपना जो NLM पढ़ाया है वो 7 लेक्चर में जो पढ़ाया है फुल डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से हर चीज वहां पे बताई गई। और अभी आपके पास टाइम है, आप रिवाइज कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से जाके देख, उसको अच्छे से समझ ले कि क्या उसका स्कोप है, कैसे सवाल उसमें बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको कोई बोलूं, मैं आपको दो सवाल यहाँ पे होमवर्क में दे कि बना लें, जैसे मैं आपको यहाँ पे सवाल दूं, मान लो कि एक सवाल अपन करना चाह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा चल जाओ भाई थोड़ा देखिए सवाल की बात करते हैं, आप खुद सॉल्व करें। अरे अभी मैंने आपको सिखाया ना ये सवाल आप खुद सॉल्व करें, 2 में अपन क्या करेंगे इन्हीं सवालों का डिस्कस करेंगे, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूं यार इस तरह की एक दीवार है और यहाँ पे मैंने एक और दीवार बना दी है और मैंने क्या किया है, खूब सवाल बनाए जा सकते हैं, ये सवाल पहले के लेक्चर में भी आप पाएंगे। माना कि ये वाला एंगल 37 डिग्री है, माना कि ये एंगल 37 डिग्री है, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर रख दिया है, क्या रख दिया है, मैंने यहाँ पे एक स्फीयर रख दिया है और मैंने यहाँ पे एक क्यूब रख दिया है, क्यूब रख देता हूँ इसके जस्ट बगल में, ये क्यूब हो गया है ना, ये क्यूब हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार, और मान लीजिए कि इसका नाम अनीता रख देते हैं, इसका नाम बबीता रख देते हैं, ये 2 केजी का है और ये वाला मान लेते हैं कि क्या है 4 केजी का है। आपसे बोला जाए सवाल नंबर 1 में आपसे बोला जाए कि फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ए एंड वर्टिकल वॉल। एक मिनट, क्या आप कर सकते हैं सोचिएगा, एक और सवाल दे देते हैं। मान लो कि मैं आपको एक और सवाल दूं और आपसे पूछूं, टाइम थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं चीजें थोड़ी सी लिमिटेड टाइम में हो जाए। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैंने एक स्फीयर रख दिया है, क्या रख दिया है, एक स्फीयर रख दिया है। अच्छा इसका मास मान लेते हैं 5 केजी है, क्या है 5 केजी है, रेडियस मान लेते हैं 5 मीटर है और ये दो दीवारों के बीच में है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, ऐसे अटकाया हुआ है ना, और इन दोनों दीवारों के बीच का दूरी मान लीजिए कुछ दे देते हैं आपको, ये जो दूरी है यानी ये जो बीच की दूरी है ये आपको मैंने दे दिया है कितना है 6 मीटर है, क्या है 6 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्फीयर है इस स्फीयर और यहाँ पे कितना नॉर्मल लग रहा है, यानी यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वॉल और स्फीयर के बीच का वो नॉर्मल बताना है। यहाँ पे आपको कौन सा, यहाँ पे आप सब कुछ बता सकते हैं, ये दोनों सवाल इक्विलिब्रियम के सवाल है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, और जो भी होगा वो सेंटर ऑफ मास के पास जा रहा है, नेट टॉर्क आपके पास 0 आ रहा है, लेकिन टॉर्क वाले सवाल अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो क्या आप इसको यहीं पे सॉल्व करें कि आप घर पे ट्राई करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ या आप खुद ही सॉल्व करना चाहेंगे, आप सॉल्व करें यार है ना, इसको सॉल्व करें क्या करेंगे, मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी। नॉर्मल की डायरेक्शन दोनों सवाल में मैं बस आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल की डायरेक्शन अगर आपने सही से बना ली तो आपका हो जाएगा काम।
आप इस पूरे को सिस्टम ले लो, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ यही नॉर्मल पता करना है, और यहाँ पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। मैंने कहा अच्छा, और इन दोनों पे नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, और नीचे इन पे एम जी लगेगा। अगर मैं ये 6 kg को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करूं तो मुझे इधर की तरफ एक नॉर्मल एन आएगा, और इधर की तरफ एक इस सरफेस के, यानी ये सरफेस जो है, अगर आप ध्यान से देखें, आप पहले खुद से ट्राई करें, सॉल्यूशन ना देखें, 37 डिग्री इधर की तरफ जो लग रहा है वो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, मैं उसको एंडेस बोल दे रहा हूं। एंडेस जो होगा वो क्या होगा, इसका और इस दोनों के ऊपर लगने वाले नॉर्मल का सम हो गया एंडेस उधर, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा 60, क्या लग रहा होगा 60, अरे 20 और ओके। अच्छा, इनको अलग अलग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक और फिर यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ता है, जो कि हमें सवाल में पूछा नहीं है, सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ये सिमेट्री है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके कारण नॉर्मल यहाँ ऐसे लगेगा, इसके कारण नॉर्मल यहाँ लगेगा, सिमेट्री है, सेम है, तो एनएन मिल लगेगा। नीचे इस पे क्या लगेगा, मैंने कहा एमजी लगेगा, नीचे इस पे क्या लगेगा, एमजी लगेगा। कितना लगेगा अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको मैं पॉइंट बना के दिखाऊं तो इधर आपके पास नॉर्मल लग रहा है ना, और इधर भी आपके पास ये नॉर्मल लग रहा है, नीचे आपके पास क्या लग रहा है, एमजी लग रहा है। कितना है वाला एमजी, 5 kg है, 5 kg है, तो ये 50 हो गया है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली दूरी है आपके लिए 6 meter, और ये जो रेडियस है वो 5 meter है, तो ये आधा हो जाएगा 3 meter, ये 4 meter, ये 3 meter और ये 4 meter। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो है आपके लिए, ये वाला जो एंगल है वो 53 degree आ जाएगा, ये वाला एंगल 37 degree आ जाएगा, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, यानी कि ये वाला एंगल अपने लिए क्या आ गया है, 53 degree आ गया है। क्या आ गया है, 53 degree आ गया। ये वाला भी 53 degree होगा, ये आपका वर्टिकल से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 37 degree हो जाएगा। अरे ये कहां से पता लगा, 60 आता ना तो आधा हो गया 3, और ये 5 है तो ये 4 होगा, और 4 और 3 ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो ये एंगल आपका 53 degree हो गया है। तो ये नॉर्मल जो सेंटर पे ऐसे लगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो गया है, 53 degree। ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अरे एन कॉस 53 degree, इधर एक कंपोनेंट आएगा और इधर भी एक कंपोनेंट आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होके मर जाएंगे क्या, क्या ये दोनों कैंसिल आउट होके मर जाएंगे, ऊपर की तरफ क्या आएगा। मैंने कहा भैया n cos 37 डिग्री ऊपर की तरफ, इसका भी n cos 37 डिग्री, तो ऊपर की तरफ दोनों कंपोनेंट आने वाले हैं आपके 2n cos 37 डिग्री, और नीचे क्या लग रहा है 50, यानी कि 2n cos 37 डिग्री 4/5 = 50। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हो तो आपके पास n की वैल्यू यहां से सॉल्व करके क्या आ गई है, 250/2×4 यानी कि 8 newton। ओके, ये हो गया है आपका आंसर जो है, यहाँ पे n लगा, सिमेट्री थी तो n और n दोनों सेम आ गए, सॉल्व करके आपके पास 250/8 है, 2 के 2 से काट दीजिए, 25/4 न्यूटन आपके पास फोर्स आ गया। अच्छा, ये नॉर्मल है और ये न्यूटन है, रे भैया काट मत देना, है ना, 1 = 250/8 मत कर देना, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत कितना आसान है, इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे जो आपने नॉर्मल कैसे माना, यहाँ पे एक पॉइंट टच है, हमने क्या डाला था, टेंजेंट डाला, फिर उसमें नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल के अलावा हमने मतलब एकदम क्लियरिटी होगी ना कि कहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल को कैसे मानना, वो सब क्लियर होगा तो आप आराम से मान सकते हैं, फिर तो बहुत आसान है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और क्या है। अच्छा, ये भी कर डालिए, फिर तो लगे आप होमवर्क क्या ही देना है, कर लीजिए, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपके लिए क्या हो गया है, 37 डिग्री। अच्छा, ये एंगल 37 डिग्री है, तो इसको टक 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 ऐसे कर लेते हैं, ये वाला एंगल हो गया 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। अभी इक्विलिब्रियम में है, तो एंडेस कोस 37 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 60, एंडेस कोस 37 डिग्री यानी कि 4/5 That is equal to 60, यानी कि n dash की वैल्यू हो गई है 60 × 5/4। अच्छा, और आपका n dash sin 37 degree, n dash into 3/5 जो horizontal वाला component है, that is equal to n, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें n ही चाहिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n dash हो गया 60 × 5/4 है, इंटू 3/5 है, 5 ने 5 की बत्तियां बुल की, 15 × 3 45 न्यूटन आएगा, है ना।
जो दोनों सवाल हमने ऐसे ही कर दिए हैं, और भी अच्छे से सवाल अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं। बहुत सारी बातें और भी करते हैं, स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं, फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, आगे कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, और बात करते हैं अपन वेइंग मशीन काटने वाले सवाल, हर तरीके से सवाल अपने एनएलएम में बनाए जा सकते हैं, उन सबके कॉन्सेप्ट की और उनसे रिलेटेड सवालों की बात करते हैं। आपको क्या करना है, मैंने कहा आप जो है अपने लेवल पे पहले पढ़ते रहिए, है ना, अपने लेवल पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि पहले चीजें आपको पढ़ाई गई है ना, वो तो पढ़ गई, जहां से भी आपने पहले पढ़ा है वहां पे जाके दोबारा पढ़िए, सवाल सोल्व करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर इंजीनियरिंग वाली अप्रोच रखिएगा। क्यों? क्योंकि भैया इंजीनियर लोग जो है लास्ट में बहुत अच्छा करते हैं, भले शुरू में कुछ भी हो, तो अब आपको वही काम करना है। रिविजन में आप इंजीनियर वाले मोड में आ जाइए कि भैया जो भी पहले कांड किए वो हो गया, अब लास्ट में हम लोग बहुत अच्छे से सब जो बच्चे 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हम भी वही कर लेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, जुनून के साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि हमको डॉक्टर बनना है, हमें भगवान बनना है, हमने ये हम पे किसी ने थोपा नहीं है, हमने सिलेक्ट किया है ना, ये तो पता है ना भैया। इंजीनियर लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा करते रहते हैं आप, तो डॉक्टर बनना आपका ख्वाब जो है आपका खुद का ख्वाब है, बार बार बताने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई दोहराए वाली बात भी नहीं है। आपको मोटिवेटेड रहना है, सारी चीजें जो पहले पढ़ी है उसको दोबारा से पढ़ना है, और सवाल को सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करें, जितने ज्यादा आप सवाल सॉल्व करेंगे, हर वैरायटी के सवाल सॉल्व करें, बुकलेट के सवाल सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर डालिए, एनएलएम के सारे सवाल सॉल्व कर डालिए, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस तेरे अंदर आएगा कि वाह मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। फिर अपन दोबारा मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, आगे की बातें करेंगे, अच्छे सवाल भी अपन बातें करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, अलग तरह के सवाल जो भी हैं एग्जाम में प्रीवियस 32 इयर्स में जो आए हुए हैं उसमें भी जो अच्छे सवाल हैं उनकी बातें करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मोटिवेटेड रहना, और अब आपका मिशन मोड में एक्टिव होके काम करना, टेस्ट में को टेस्ट की तरह लेना, उसमें बेस्ट देना और बेस्ट नंबर आपको प्राप्त करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी होगी, तब आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में, और कितना भी कोरोना काल हो लेकिन आपकी अपनी मेहनत आप जारी रख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की, उसके लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना और अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखिएगा, बाकी जो है डिफिकल्टीज सबके साथ है, वक्त के हिसाब से सबकी अपनी अपनी डिफिकल्टीज है, तो मुस्कुराइए और उनको फेस कर डालिए, भले वो पढ़ाई की हो, भले वो हर तरह की प्रॉब्लम जो आप घर पे फेस करते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, बस वॉरियर्स वो होते हैं, फाइटर्स वो होते हैं जो हालातों से सीखते हैं, हालातों को हराते हैं और खुद जीत के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आप वो हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। हम पहले लेक्चर का ये जो खेला है वो जो काफी लंबा थोड़ा टाइम किस गया है, तो यहीं पे नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे और बहुत तेज रफ्तार से बात करेंगे। आज के लिए यहीं चलते हैं, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।